हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन क्लास माइक्रोस क्लास है। जैसा कि हमने यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास नाइन्थ को पढ़ा रहे थे, तो आज हम आगे देखते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 5.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दी थी, तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो फिफ्थ पास्टुलेट्स है एक्जियोम की, फिफ्थ पास्टुलेट है जो यूक्लिड की, तो यूक्लिड का फिफ्थ पास्टुलेट्स क्या कहता है, उसका एक्सटेंशन क्या, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट, मतलब ये आप कह सकते हो कि ये सबसे मेन पास्टुलेट्स था जिसको यूक्लिड ने तो प्रूव नहीं किया था, बट दिस पास्टुलेट्स लीड्स टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ द ज्योमेट्री। जो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न ज्योमेट्री जो है उसका जो फाउंडेशन है वो हमारा फिफ्थ पास्टुलेट्स है यूक्लिड की। तो हम इसको समझते हैं और इसी एक लाइन पे आपका जो एक्सरसाइज है 5.2 वो इसी पास्टुलेट्स पे डिपेंड है, तो इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि उसके उसका अनदर फॉर्म क्या है और उसको किस, मतलब किस एक्सियोम से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ये सब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं फिफ्थ पास्टुलेट्स क्या है। फिफ्थ पास्टुलेट जो है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पास्टुलेट्स की बात करें, हम एक्सियोम की बात नहीं कर रहे हैं, पास्टुलेट्स एक्सियोम दोनों अलग अलग हैं। तो हम देखते हैं इसको, पहले हम फिफ्थ पास्टुलेट्स ये कहता है, इफ द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इंडिफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल। देखिए इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, कह क्या रहा, हमने कहा कि दो स्ट्रेट लाइन हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक, टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल। ये कह रहा कि अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, ये हमारा दो स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम इसको कहे, इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड कर दें, तो ये जो आपका एंगल है, आप इस एंगल की बात करो, इंटीरियर एंगल, या आप अपोजिट साइड के एंगल की बात करो, ये वाला एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल है टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडिफिनिटली मीट ऑन द सेम साइड दैट साइड ऑन विच सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल, यहाँ पे टू राइट एंगल का मतलब क्या है, टू राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मीन्स 180 डिग्री। तो ये कह रहा कि अगर हम इसको आप वन और टू एंगल मानो, तो हमेशा आपका वन और जो टू एंगल है वो आपका मैक्सिमम 180 डिग्री ही होगा, मीन्स अगर हम कहें कि एंगल वन प्लस एंगल टू जो है वो कभी भी आपका 180 डिग्री को ऊपर नहीं होगा, 180 डिग्री के नीचे होगा, इज नॉट मोर देन 180 डिग्री बट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ये फिफ्थ लाइन का जो फिफ्थ पास्टुलेट्स है, इसका मतलब हमने आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बताया जो कि यूक्लिड की है। इसका अगर हम एक्सटेंशन की बात करें या दूसरा लाइन की बात करें, तो वो जो है इसका एक और नाम है जिसे हम प्ले फेयर एक्सियोम कहते हैं। प्ले फेयर एक्सियोम को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, नो इंटरेक्शन ऑफ द लाइन विल टेक प्लेस विन द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ फॉलिंग लाइन इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब, या ऊपर वाली लाइन को हम अनदर तरीके से ये बोल सकते हैं कि दो ऐसी लाइन, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये लाइन, ये दोनों लाइन जो है, सॉरी फिर से बनाते हैं, हमने कहा ये दो लाइन,
अगर इन दोनों लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये एक दूसरे के साथ कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट नहीं होंगे, या आप एक कह सकते हो ये दोनों एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होंगे। यह भी ये लाइन कहता है जो आपका यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट से। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट को अगर आप स्टडी करते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है। एक आप ये यहाँ से आपको ये पता चलता है, ये वाली पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे आपको डिफाइन किया। दूसरा ये पॉइंट कहता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसी का दूसरा एक फॉर्म है जिसे हम प्ले फेयर एक्जियोम कहते हैं, जिसको प्ले फेयर एक्जियोम कहते हैं। इसमें इनका क्या कहना है, इसको इसके लाइन को समझ के उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इफ़ फॉर एवरी लाइन एल, हमने कहा कि ये कोई लाइन है एल, सॉरी हमने कहा कोई एक लाइन है एल, दिस इज एल, फॉर एवरी पॉइंट पी, इस पर कोई एक पॉइंट है पी, हमने कहा ये कोई पॉइंट है पी, नॉट लेइंग ऑन एल, अच्छा ये एल है, मतलब रुकिए इसको आप ये नहीं कह रहा, हम कह इसके पी को हटाते हैं, पहले हम इसको भी साफ कर देते हैं। कह रहा कि कोई एक लाइन है एल, ये हमने कहा दिस इज एल, फॉर एवरी पॉइंट पी, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, हमने कहा दिस इज अ पॉइंट पी, नॉट लेइंग ऑन एल, कंडीशन क्या है जो एल पे नहीं है। तो अगर हम पी पे लाइन खींचे तो देखिए हम पी पे यहाँ पे कुछ लाइन खींच रहे हैं, हमने कहा दिस इज अ लाइन एम, एक और लाइन हम खींचते हैं इसी पे, इस पी पे ही एक लाइन और खींचते हैं हम, ये एक थर्ड लाइन और खींच लीजिए इसी पे, ये हमने कहा दिस इज एम डैश, दिस इज एम डबल डैश, ओके। तो कह रहा दे आर एग्जिट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू द पॉइंट पी आर पैरेलल टू एल। देखिए ये लाइन जो M वाली आपको दिख रही है, यह M वाली लाइन जो है वो हमारा L के साथ पैरेलल है। इसके अलावा मैंने इस पॉइंट पे एक अनदर दो लाइन खींचा है, एक M डैश और एक M डबल डैश, पर M डैश और M डैश पैरेलल नहीं होगा। अब आप इसको थोड़ा ऑपरेट कीजिए, ऑपरेशन कीजिए। अगर हम इस पॉइंट पे P के जस्ट जहाँ पे P है वहीं पे अगर हम ऊपर भी एक पॉइंट मान ले जो कि P डैश मान लेते हैं हम, अगर हम P डैश पे एंगल की बात करें तो यह एंगल हमारा 180 डिग्री है। अब इस पॉइंट पे 180 डिग्री जो भी एंगल बना रहा वो सिर्फ आपका M जो है वो लाइन 180 डिग्री बना रहा, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू L। तो 100 जब दोनों के बीच बन रहे हैं मीन्स हम M को हम बोल सकते हैं M इज़ पैरेलल टू L। इसके अलावा जो भी आप M डैश की बात करो तो M डैश को अगर आप इधर इनफाइनाइट पे प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो कि आप इसको कुछ भी मान सकते हो, मान लीजिए यह एक इंटरसेक्शन पॉइंट या क्रॉस पॉइंट मिल रहा। सेम अगर आप M डैश को भी अगर आप पीछे करते हो तो यह भी एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसको आप O डैश मान लीजिए। अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट लगाता है तो वो लाइन एक दूसरे के साथ कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता। तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है कि 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए उन दोनों के बीच में। उसी को लिखा द टू डिस्टिनक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। एक इस देखिए ये जो हमने कहा M डैश पैरेलल लाइन हो सकता है पर इस L का नहीं हो सकता, कोई अनदर अगर हम लाइन खींचे जैसे हमने कहा L डैश खींच दे जो कि इसी पॉइंट P डैश से होके जा रहा हो तो हम उसके पैरेलल मान सकते हैं, पर इस L डैश का पैरेलल लाइन M कभी नहीं हो सकता, M डैश या M डबल डैश हो सकता है। तो इस जो पूरा ये आपको दिख रहा है स्क्रीन, उस स्क्रीन पे सिर्फ हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन वो होता है जो 180 डिग्री का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक दूसरे के बनाता है। अगर हम दो लाइन खींच दें, दोनों लाइन एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है और किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से मीट नहीं कर रहा तो वो हमारा पैरेलल लाइन कहलाएगा।
ठीक, तो ये फिफ्थ पास्टुलेट्स है एक्जियोम का जिसको आपको पता होना चाहिए बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या इम्पॉर्टेंट है हमारे मैथमेटिक्स में। दूसरा, अगर हम इससे बात करें ज्योमेट्री की, तो यहाँ पे क्या है कि इससे पहले जो भी आपने देखा, जैसे हमने कहा ज्योमेट्री की बात, तो ज्योमेट्री जो है यहाँ पे अभी जो आप लोगों को स्टडी कराई जाती है वो मेन रूप से तीन तरीके की होती है। एक यूक्लिड, जो कि अभी आप हमारे जितने भी वीडियोस आपने देखा वो सब आपकी यूक्लिड ज्योमेट्री की है प्रेजेंट टाइम में। इसमें हमने यूक्लिड की एक्जियोम, यूक्लिड की पास्टुलेट्स और यूक्लिड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं। दूसरा आपका नॉन यूक्लिड, नॉन यूक्लिडियन, और तीसरा जो है आपका स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। लेकिन नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है यहाँ से आई है, जो मतलब अभी फिफ्थ पास्टुलेट से उससे जो आगे अराइज हुई थी वो हमारा नॉन यूक्लिडियन था। और स्फेरिकल में क्या था, यहाँ पे मैंने लाइन की जगह कर्व की बात शुरू की। जब लाइन की जगह कर्व की बात अगर हम शुरू करते हैं तो वो हमारा स्फेरिकल ज्योमेट्री होता है। जब हम लाइन को कंसीडर करते हैं और अगर हम यूक्लिड से रिलेटेड बात पास्टुलेट्स और अगर हम एक्सियम की बात करते हैं तो वो हमारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री होता है। और उसके अलावा जितनी भी ज्योमेट्री है वो सारी की सारी हमारा नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। अभी तक जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपको नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री और स्फेरिकल ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है। पर इन दोनों का अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो वो फाउंडेशन या जो रूट है वो आपका यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। ओके, हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड जो आपके इसलिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो दे रखा है एग्जांपल है आपका, ये एग्जांपल क्या रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखते हैं। देयर एग्जिट अ पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर इन दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द यूक्लिड फिफ्थ पास्टुलेट्स इज दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन। तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहा कि क्या यह इसको हम खींचते हैं लाइन, हमारा कहना है कि एक कोई लाइन है L, एक कोई लाइन और हमने खींच दिया यहीं पर जो है M। कंडीशन क्या दे रखा है कि ये दोनों इक्विडिस्टेंस है हर जगह। इक्विडिस्टेंस का होने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट इस P और P डैश पे बात करें तो P और P डैश पे इक्विडिस्टेंस होने का मतलब है कि वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। तो अगर 180 डिग्री का एंगल बनाएगा मतलब क्या है कि नो इंटरसेक्शन विथ ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेगा, और अगर क्रॉस नहीं करेगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल ही होंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है फॉर द प्लेफेयर एक्सियोम से, फॉर द एवरी लाइन L एंड फॉर द एवरी पॉइंट P नॉट लेइंग ऑन द L द एग्जिट एज अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू द P पैरेलल टू द L। मतलब यहाँ पे L और हमने L की बात की, यहाँ पे हमने P की बात की कि अगर है तो ये आप तो इससे पहले वाले प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको इसके ऊपर बताया था। अब क्या है कि ये क्या यूक्लिड के फिफ्थ पास्टुलेट्स को एक्सप्लेन कर रहा, तो हाँ कर रहा, क्योंकि वो इसी का जो है ये ऑफशूट है, यूक्लिड की फिफ्थ पास्टुलेट्स का ही ऑफशूट था ये। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द L फ्रॉम M, सो दीज टू लाइन आर एवरीवेयर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वन अनदर। ये हमने यहाँ पे बनाया है, ये परपेंडिकुलर का रखा है, ये आप कहीं भी इनफाइनाइट तक चलते चले जाओगे आपको ये हमेशा परपेंडिकुलर ही मिलेगा। तो आप इसे पेयर प्ले फेयर एक्सियोम से भी बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप इसे डायग्राम बना के और बहुत ही ईजिली बता सकते हो कि या दिस इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ अ फिफ्थ पास्टुलेट्स। चलिए हम ये आपका एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल के बाद जो है आपका एक एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन है उसको हम ख़त्म कर लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने इसके वीडियो नहीं देखे तो आप जाइए और हमारे चैनल पे आप इसकी वीडियो देखिए, बिकॉज दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द ज्योमेट्री। आपको ये आपको देखना ही चाहिए, मतलब ये आपको पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी की बुक में ये पूरा पूरा चैप्टर है। मीन्स दे हैव इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं आपको ये इंपॉर्टेंस देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको पढ़ना चाहिए किसी भी ब्रांच को, आपको ये चीज़ें यूक्लिड की जो ज्योमेट्री उसको पढ़ना चाहिए एक बार, चाहे आप मेरे चैनल से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, पर इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, इसको आप छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकता है। तो देख लेते हैं हम अगला आपका इसका एक्सरसाइज के जो दो क्वेश्चन है उसको देख के जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। वो आपका क्या कहता है, पहला हाउ वुड यू रीराइट द यूक्लिड फिफ्थ पास्टुलेट्स। देखिए हमने कहा ही था कि सिर्फ फिफ्थ पास्टुलेट पे ही आपका एक्सरसाइज है,
सो दैट इट वुड बी द ईजियर टू अंडरस्टूड. ओके, कोई दिक्कत नहीं. देखिए, व्हेन द टू लाइन आर कट बाय अ थर्ड लाइन सो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन अ 180 डिग्री ऑन द साइड देन द फर्स्ट टू लाइन इंटरसेक्ट टू सेम साइड. क्या यहाँ पे है, बना लेते हैं. देखिए बहुत ईजी है अगर आप डायग्राम बना लेते हो. यहाँ पे यह एक लाइन है, एक लाइन और आप एक और खींच लीजिए. आपने कहा दिस इज द एम, ऊपर वाले को आपने कहा दिस इज द एल. ये एक पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन में क्या है कि आपने इसको एक और लाइन से इंटरसेक्ट कर दिया. सेम साइड का एंगल देख लीजिए. आपने कहा कि दिस इज द एंगल वन, दिस इज एंगल टू. तो एक्सियोम का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, वन इज टू इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 180 डिग्री. यही तो था फिफ्थ पोस्टुलेट. ईजी है, तो वही हमने लिखा है. मीन द टू लाइन आर कट बाई अ थर्ड लाइन. हमने कहा एल एम इज कट बाई दी एन. इसको आप अगर चाहो तो एन लिख लो यहाँ पे, एन. सच दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन द 180 डिग्री ऑन द वन साइड देन द फर्स्ट टू लाइन इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड. तो क्या है कि लेस देन हो, इंटरसेक्ट बाय द सेम साइड. अगला देखिए, डज द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन. हाँ, यहाँ पे जो है आपका ये करता है या नहीं. अब हमने इसी को आपने समझाया था कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये जैसे एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा मतलब इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है, एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, इक्वी डिस्टेंस पे है, तो यह एल और एम हमारा क्या होगा, एल और एम पैरेलल होगा. इट मे बी आर्ग्यू दैट द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री ऑन बोथ द साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन देन द lines will not intersect in any side. So if the two line never intersect then they are a parallel. Okay, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, अदब एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, तो ये हमारा दोनों एक दूसरे के parallel होंगे ही. तो ये आपका एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट फाइव जो है आपका एक्सरसाइज चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है. अगर आपने नहीं देखा मेरे वीडियो तो जाके आप देख लीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए. ये मैं नहीं कहता दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू, पर मैंने ट्राई किया है कि आपको समझाने की कोशिश करूँ हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को जो आप ध्यान नहीं देते हो, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन योर इन द मैथमेटिक्स एंड जियोमेट्री की फाउंडेशन है. हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को की शुरुआत करेंगे. तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कंसेप्ट को माइक्रोस्कोप क्लास के साथ मजबूत कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.